Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना बड़े पैमाने पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और इसमें साथ दे रहे हैं जम्मू के आम लोग भी। वो लोग जो इस समय बड़े पैमाने पर भारतीय सेना को इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट के आधार पर ही भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। लेकिन अब आतंकियों का सफाया करने के लिए जबरदस्त घेराबंदी की तैयारी भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया तेज है। अग्निवीर बड़े पैमाने पर अग्निपथ स्कीम के जरिए से भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं और इन सब के बीच में सामने आ गई एक और तस्वीर। तस्वीर भारतीय सेना की 23 माउंटेन ब्रिगेड की, जिन्होंने मेंढर में भर्ती रैली का आयोजन किया। जम्मू के आम लड़के भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जम्मू के लड़के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कितने उत्साहित हैं। 23 माउंटेन ब्रिगेड वो ब्रिगेड है जो पहाड़ों के लिए सबसे मजबूत जानी जाती है। पहाड़ों पर इनका दम किसी से छिपा नहीं है और इसी 23 माउंटेन ब्रिगेड का हिस्सा बनने के लिए जम्मू कश्मीर के लड़के बड़े पैमाने पर खुद को साबित करने आ पहुंचे हैं। दौड़कर, रेंगकर, कूदकर, फांदकर बड़े पैमाने पर खुद को साबित करने में जुटे ये लड़के बता रहे हैं कि वो भारतीय सेना के काबिल हैं और उससे भी ज्यादा 23 माउंटेन ब्रिगेड का हिस्सा बनने के लिए तैयार। भर्ती रैली का आयोजन भारतीय सेना बड़े पैमाने पर हर साल निकालती है और इसके अलावा भी अलग अलग रेजिमेंट्स भी भर्ती रैली का आयोजन करती हैं। इसी के तहत 23 माउंटेन ब्रिगेड ने भी मेंढर में भर्ती रैली का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़कर लड़कों ने हिस्सा लिया। भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे लड़कों को अपनी क्षमता को साबित करना पड़ेगा और इसके बाद जब वो चुन लिए जाएंगे तो आगे ट्रेनिंग के लिए उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन हर पड़ाव के बाद इनमें छटनी होगी और उसके बाद इनमें से कुछ ही 23 माउंटेन ब्रिगेड का हिस्सा बन पाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया और भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी तैयारी वो कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।